असल फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग सब होंगे संगे वेलकम बैक टू माई चैनल वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग नदर डे ऑफ माई लाइफ तो भी क्या चल रहा है आप लोग लाइफ में और यहाँ पर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं बाहर आई हुई हूँ और यहाँ पर मैं किसी शॉप में आई हुई हूँ और मुझे स्ट्रेटनर चाहिए था तो बस वही लेने के लिए आई थी और साथ में ब्लॉग भी शूट करने आई थी तो ये है रूफ़ी मॉल और एड्रेस अभी उन्होंने मुझे सेंड नहीं किया जब सेंड करेंगे तो वो भी मैं आपको दे दूँगी आप कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं मतलब मेकअप वगैरह की भी इनके पास काफ़ी वैराइटी होती है इनके पास मौजूद है और आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं और मेरे चैनल का अगर आप लोग नाम लेंगे या मेरे नाम से बोलेंगे तो आपको मेरे रेफरेंस से डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पर और आप लोग ज़रूर जाएगा और दूसरा ये कि मैं इतने अच्छे तरीके से व्लॉग नहीं शूट कर पाई वो इस वजह से क्योंकि इनके पास एक तो मतलब हर तरह की चीज़ें हैं यानी कि वैरायटी इतनी ज़्यादा थी कि हर एक एक चीज़ तो मैं आपको नहीं दिखा सकती थी खैर मैंने यहाँ से बस आपको थोड़ा बहुत विजिट करवाया लेकिन इनके पास बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं तो आप लोग ज़रूर जाए और इसे बाई करें और डिस्काउंट भी हासिल करें और दूसरा ये कि इतने दिनों बाद मैं ब्लॉग्स इसलिए अपलोड कर रही थी क्योंकि भई एक तो मेरे पेपर स्टार्ट हो गए हैं और उस वजह से टाइम भी नहीं मिल रहा और दूसरा ये कि गला भी इतना ख़राब हो रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला तो गले का ही था और वैसे भी मेरा आज भी थोड़ा बहुत मूड नहीं हो रहा था ब्लॉग वगैरह अपलोड करने का लेकिन फिर सोचा कि चलो आज ब्लॉग वगैरह अपलोड कर लेती हूँ और दूसरा ये है ब्लैक फेस मास्क यानी कि चारकोल से बना हुआ और पील ऑफ मास्क जिसे कहा जाता है और ये आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है और मैं यूज़ कर चुकी हूँ और भाई उसके बाद यहाँ से फारग होकर मैं आ चुकी थी सनशाइन बेकरी और वहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर मुझे कोई काम था तो इसलिए आई थी और दूसरा यहाँ पर पंजीरी और गाजर का हलवा आ चुका है और अगर किसी ने लेना हो यहाँ से तो ले सकता है जाकर और अगर किसी ने हमें ऑर्डर देना तो वो ऑर्डर दे सकता है बिल्कुल पिछले साल वाले रूल है कि आपको एक दिन पहले बताना पड़ेगा तो उसके बाद ही ऑर्डर लिया जाएगा और ख़ैर हमने तो कुछ भी नहीं बनाया अभी ना गाजर का हलवा ना कोई पंजीरी और कुछ भी नहीं मतलब पिनिया वगैरह कुछ भी नहीं बनाई तो जब बनाएंगे तो ज़ाहिर सी बात आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करती हूँ और बाकी यहाँ पर मैंने ट्राईपोर्ट जो लिया था वो आपको दिखा रही थी कि भई इसका भी थोड़ा मसला चल रहा था तो इसी वजह से ब्लॉग वगैरह शूट नहीं करी थी तो खैर ये ठीक हो गया तो अब दोबारा से ब्लॉग वगैरह शूट करी तो इसलिए आज अपलोड करी ब्लॉग और दूसरा मेरा वेलवेट का ड्रेस देख आपको समझ आ ही गई होगी कि भई कराची में भी सर्दियाँ आ गई हैं लेकिन इतनी ख़ास कोई सर्दी नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो लगी ही रही थी और ये है वो स्टेटनर जो कि मैं लेकर आई थी थ्री इन वन है और भाई इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई हुई थी तो फिर इस वजह से और बाकी किसी ने मंगवाया था इसी वजह से मैंने लिया ऑनलाइन मुझे मिल नहीं रहा था तो फिर इस वजह से लेकर आई थी और दूसरा आने के बाद मैंने यहाँ पर बनाई थी चाट और कुछ फ्रूट्स वगैरह पड़े हुए थे मैंने बोला चलो इसकी चाट बना लेते हैं व्लॉग तो पहले मैंने एक और भी बनाया था पूरे मेकअप पर बनाया था यानी कि मेकअप वगैरह मैं कौन सा इस्तेमाल करती हूँ फेशल वग़ैरह सब कुछ मतलब उसमें सब कुछ बताया था लेकिन क्या है कि उसे मैंने डिलीट कर दिया और फिर अब दोबारा से न्यू ब्लॉग शूट किया है और दूसरा ये कि अब इसमें चाट मसाला चीनी और दाल मिर्च पाउडर जाएगा इसमें और हँस जरूरत आप लोग ऐड कर सकते हैं और भाई ये फ्रूट चाट बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है तो दूसरा ये कि मेरी ताई है हैं उनकी फरमाइश आई थी कि भाई कॉफ़ी बनाना बता दो तो भाई कॉफ़ी जो है वो मैं बनाना ज़रूर बताऊँगी लेकिन वही बात है कि पेपर्स हो रहे हैं तो बस थोड़ा फ्री हो जाऊँ और फिर किस दिन टाइम मिला तो ज़रूर अपलोड करूँगी कॉफ़ी बनाने की वीडियो भी और खैर वो मशीन से बन जाती है बगैर मशीन के भी बन जाती है तो चलें जब बनाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी और दूसरा ये कि आज मैं बना रही थी खाने में गाजर आलू गाजर बना रही थी खैर और ये इसका सालाना थोड़ा मीठा बनता है और मुझे ज़्यादा इतना पसंद नहीं है खैर खा लेती हूँ लेकिन इतना ज़्यादा पसंद नहीं है और यहाँ पर मैंने एक चम्मच भर कर पूरा ऑयल का लिया था एक चमचा और दरमिया साइज़ का एक अदित प्याज मैंने कट करके इसमें डाला है और बस बस हल्का सा इसका बंद दूर करना है और वैसे इसका कलर चेंज नहीं होने देना वरना तो मतलब गाजर का जो सालन का कलर है ना वो ख़राब हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और पानी ऐड करने के बाद इसको हल्का सा बुनाई किया इसकी और उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर देना है लहसन अदरक का पेस्ट और वो एक टेबल स्पून भर कर मैंने इसमें ऐड किया है तो आप मतलब उसके मुताबिक ले सकते हैं जितना आप सालन वगैरह बना रहे हैं और खैर इतना ज़्यादा तो बनेगा भी नहीं सालन और उसके अलावा हमने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करने के बाद अच्छे से भुनाई करनी है इसकी क्योंकि अगर इसकी स्मेल मतलब ख़त्म ना हो तो फिर पूरे सालन में इसकी स्मेल आती है और वो बिल्कुल अजीब सा लगता है और खाने को दिल ही नहीं करता तो इसकी अच्छे से भुनाई करनी है और भुनाई करने के बाद जब आपको लगे कि इसकी स्मेल बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है तो उसके बाद आपने इसमें टमाटर ऐड करना है एक अदद मैंने छोटे साइज़ का टमाटर इसमें ऐड किया था क्योंकि जो सालन है ना एक खट्टा अच्छा नहीं लगता तो फिर इस से मैंने बस छोटे साइज़ का इसमें टमाटर ऐड किया था और उसके बाद इसकी भी अच्छे से भुनाई कर लेनी है और ख़ैर अब इसका कलर चेंज हो चुका था और उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया है रेड चिली पाउडर और ये भी आपने हंस पर ज़रूरत ऐड करना है तो खैर किसी के घर में बहुत ज़्यादा मिर्ची खाई जाती है और किसी के घर में कम और किसी के घर में नॉर्मल और ये मैं नॉर्मल ऐड कर रही हूँ और इसके अलावा यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है इसके और फिर इसके अंदर मैंने नमक ऐड करना है क्योंकि इसके अलावा इन बस ये तीन मसाले इसमें जाते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं मतलब बिल्कुल सिंपल सा है सालन बनकर रेडी हो जाता है और फिर उसके बाद इसकी भुनाई करनी है हमने और फिर इसको हल्का सा पानी डालकर भी मतलब अच्छे तरीके से भून लेना है और वैसे भी फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ आलू गाजर का सालन इससे पहले मैंने कभी आलू गाजर का सालन नहीं बनाया लेकिन फर्स्ट टाइम बना रही बिल बहुत ज़्यादा सिंपल है और आप लोग भी इजीली बना सकते हैं और उसके बाद गाजर इसमें कट करके डालनी है आपकी मर्जी है कि आप म्या साइज़ में कट करके डालना चाहते हो तो वैसे डाल सकते हैं और अगर थोड़ा भरी कट करके डालना चाहते हो तो वैसे डाल सकते हैं और बाकी जो आपको ईज़ी लगे और इसके अलावा इसको भी थोड़ा सा भून लेना है यानी कि बहुत ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करनी लेकिन थोड़ा सा इसको भून लेना है और इसे भूनने के बाद हमने इसमें ऐड कर देना है आलू और ये नए वाले आलू हैं तो इसके छिलके उतारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि इसे वॉश करते करते इसके सारे छिलके उतर जाते हैं तो उसके बाद ये इसमें कट करके ऐड कर देने हैं बस मैंने तीन से चार आलू लिए थे और उसमें एक अदद मैंने हरी मिर्च ऐड की थी और मतलब आपकी मर्ज़ी है कि आप मजीद इसमें ऐड कर सकते हैं लेकिन मैंने एक हद इसमें हरी मिर्च ऐड की थी और उसके बाद फिर मैंने इसको मिक्स करने के बाद इसमें पानी पानी डाल दिया था लेकिन आधा गिलास के करीब मैंने तकरीबन इसमें पानी ऐड किया था आपकी मर्ज़ी आप ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं लेकिन ये हिसाब किताब होगा कि आलू और गाजर थर, अच्छे तरीके से गल जाने चाहिए इतना पानी आपने इसमें ऐड करना है और फिर इसको मिक्स करने के बाद ढक कर रख देना है और तेज़ आंच पे इसे पकाना है यानी कि जब तक पानी के वो बॉइल ना आ जाए और ये देखें पानी को बॉइल आ चुका था और फिर एक बार इसको मिक्स करके मैंने इसको दोबारा से ढक कर रख दिया था और हल्की आंच पर रखा था जब तक आलू और गाजर अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर तो पर गल ना जाए और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुके थे और फिर मैंने इसकी अच्छे से भुनाई की यानी कि इतनी भुनाई अब करनी है कि इसका पानी जो है मुकम्मल तौर तो पर कंप्लीटली खुश्क हो जाए और उसके बाद फिर मैंने इसमें जो सूखा हुआ धनिया है उसे हल्का हल्का सा मतलब पीस कर और फिर इसमें ऐड किया था और इससे इसकी खुशबू जो है बहुत अच्छी आती है और अगर मिर्च अगर आपको कम लगे तो इसमें आप ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं बाकी ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था सालन आलू गाजर का और बस अब आप लोग इंजॉय कर सकते हैं इसे खैर इंजॉय तो आप लोग तब करेंगे ना जब आप लोग खुद बनाएंगे खैर ये तो अभी हमारे घर में बना था और दूसरा ये कि रात का टाइम हो रहा था उस टाइम मैंने अंडे बॉयल किए थे और उसके साथ ये सनशाइन बेकर से मैं आज यूनिवर्सिटी से आते हुए केक लेकर आई थी खैर मैंने कभी पहले ट्राई नहीं किया इनका केक लेकिन आज ट्राई किया था बहुत मजे का केक था इनका ड्राई फ्रूट भी और प्लेन भी था लेकिन मैं मुझे ड्राई फ्रूट वाला अच्छा लगा तो मैं वो ले कर आई थी और उसके अलावा चाय मैंने बनाई थी पत्ती अच्छी खासी तेज डालकर और बाकी आप लोग भी ये केक ज़रूर ट्राई करें मतलब बैक पॉलर और डॉन का केक भी अच्छा होता है लेकिन बैक पॉलर का केक इतना ज़्यादा मतलब नहीं खाया जाता लेकिन ये जो केक था है बहुत अच्छा था और मतलब इसकी स्मेल वगैरह कोई भी इस तरह से स्मेल नहीं आ रही थी जैसे लाइक अंडे वगैरह की स्मेल आती है इसमें से लेकिन ये बहुत अच्छा केक था आप लोग ज़रूर ट्राई करें इसे और ये ममा ने रात को बनाया था गोल्डन मिल्क यानी कि जो इसे बोला जाता है हल्दी वाला दूध और भाई गोल्डन मिल्क भी इसे कहा जाता है और दूसरा इसमें लौंग और दालचीनी पता नहीं ममा ने कौन कौन से मसाले इसमें ऐड करके तो ये पका कर मोसिन को दिया था क्योंकि मोहसिन ने चाय वगैरह तो नहीं पीनी थी तो फिर इसको ये बनाकर दिया था और ये काफ़ी ज़्यादा मज़े का बनता है और बस हम लोगों ने तो चाय वगैरह पी ली थी तो इस वजह से ये नहीं पिया और बस मौसम के लिए ममा ने बनाया था खैर अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़